मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। हम अभी फंसे हैं सुविधाओं एमिनिटीज में, हमने सुख खोजना शुरू किया है, बाहर नहीं है, प्रॉब्लम ये है। और ये रियलाइज होता है बीपीओ में जो काम करते हैं उनको 2-3 साल के बाद तुरंत रियलाइज होता है, लेकिन फिर वो ऐसे चक्कर में फंसे होते हैं, ऐसे चक्कर में कि बाहर निकलना मुश्किल होता है। हाँ है, बिल्कुल सही, मेंटली तो इतने ज्यादा है कि बहुत तकलीफ। चलिए खत्म करें, या कुछ और प्रश्न? जी सर, व्यायाम करने से भी शरीर में गर्मी आ जाती है? बिल्कुल आती है। हाँ, उसका भी नियम एक स्वस्थ व्यक्ति को 20 मिनट से ज्यादा व्यायाम नहीं करने की सलाह दी गई है। किसमें? आयुर्वेद। आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है भागवत संहिता, उसमें श्लोक है, उसमें ये कहा गया है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है और मानसिक श्रम करता है, मैं आपको ध्यान में रख के कह रहा हूँ, उसको 20 मिनट से ज्यादा विश्राम नहीं करना चाहिए। और ये 20 मिनट का कैलकुलेशन फिर आगे उन्होंने और डिफ्रेंशिएट किया कि उसको उतना ही व्यायाम करना चाहिए जितना करने मात्र से उसकी ये जो दोनों क्या है बदल कहते हैं, इसमें पसीना आ जाए, बस इतना ही। जैसे ही आपकी दोनों बगल में पसीना आया आपको व्यायाम रोक देना चाहिए। तो बगल में पसीना आके मैंने करके देखा है, 20 से 22 मिनट व्यायाम करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन कोई आप में से ऐसे भी हो सकते हैं जिनको 10 मिनट नहीं आता, तो वो 10 मिनट ही आपके लिए पड़ेगा। बगल का पसीना जैसे ही शुरू हुआ व्यायाम उतना ही आपके लिए पर्याप्त है, उससे ज्यादा करेंगे तो वही गर्मी माने वायु का प्रकोप पड़ेगा और वायु आपके सिर को सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित करती है। तो इसलिए ज्यादा व्यायाम भी नहीं करना है, सम में रहना है। और अगर आप शरीर श्रम कर रहे हैं तो आयुर्वेद ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आपको कोई व्यायाम कतई करने की जरूरत नहीं, आपका जो श्रम है वही व्यायाम। अगर आप श्रम नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो ये है 20 मिनट का। कोई मजदूर है, रोज फावड़ा चला ही रहा है, कुदाली खोद ही रहा है, उसको प्राणायाम करने का निषिद्ध है, बिल्कुल क्रॉस। प्राणायाम नहीं करना, योग नहीं करना, उसको आहार पर ध्यान देना, बस इतना स्पष्ट होता है। आहार उसको ऐसा खाना चाहिए जो वायु के प्रकोप को हमेशा कम करे, और वायु के प्रकोप को कम करने वाले आहार में घी सबसे ज्यादा, तेल सबसे ज्यादा, क्योंकि ये वायु को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है, तेल और घी। तो शरीर श्रम करने वालों को तेल ही सबसे ज्यादा। जी कहीं से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? छोटी छोटी बातें करें। देखिए, अगर आप छोटी छोटी बातें अपने जीवन में करें तो इस वेस्टर्नाइजेशन से बच जाए। जैसे उसमें से एक बात मैंने आपसे कही कि कोशिश करें रात को जल्दी सो जाए, 8-9 बजे सुबह जल्दी उठ जाए, एक बात। दूसरी बात, वेस्टर्नाइजेशन से बचने के लिए शरीर को सम पे रखना, माने वात पित्त कफ तीनों आपके संतुलित रहे। तो इसके लिए कुछ सूत्र मैं बता देता हूँ, आप चाहें तो इनको लिख लीजिए, नहीं तो याद कर। वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहे आपके जीवन में, कभी भी आपको कोई रोग ना आए, तो उसमें पहला नियम एक तो सुबह जल्दी सोना रात को और जल्दी उठना। दूसरा नियम है कि जैसे ही उठें तो पानी पीना। क्यों पीना वो ध्यान रखें। सुबह जब सोकर उठते हैं तो वायु का प्रकोप होता है, सुबह के समय प्रकृति में हमेशा वायु का प्रकोप होता है। सुबह के समय आप जब भी महसूस करेंगे तो देख लीजिए, सुबह के समय ही सबसे ज्यादा हवा चलती है। तो सुबह के समय प्रकृति में वायु का प्रकोप है तो शरीर में भी वायु का प्रकोप है। वायु का प्रकोप उठते ही आपको तकलीफ ना कर दे, इसके लिए पानी पीने का विधान है। अब आप इसको ऐसे समझिए, उदाहरण से, बहुत तेज हवा चल रही है और तुरंत बारिश हो जाए तो हवा शांत होती है? ऐसी शरीर में बहुत तेज वायु उठ रही है और पानी जैसे ही पिएंगे तो शांत होती है। तो सुबह का नियम है उठते ही पानी पीना। कितना पीना? तो लगभग 3 गिलास। प्यास है नहीं है तो
आपके माने आप जिस उम्र में बच्चों के लिए एक गिलास, एक से डेढ़ गिलास। तो सुबह उठना, जल्दी उठना, उठते ही पानी पीना, कम से कम 3 गिलास। पानी पीने का नियम है कि हमेशा सिप करके पीना, कभी भी ऐसे बिट 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 एक सिप दो सिप जैसे गर्म दूध पीते हैं ऐसे पानी पीना। क्यों? मुंह में लार है, ये लार जो है ना क्षारीय है, और पेट में अम्ल है, है ना, एसिडिक होता है पेट जिसमें HCl है, और मुंह में लार है, ये क्षार है। तो शरीर में अगर नीचे एसिड है ऊपर क्षार है तो सम नहीं रहेगा, तो शरीर सम रहे तो ये क्षार जो है अम्ल में मिल जाए तो सम हो जाता है। आप जानते हैं क्षार और अम्ल मिले तो न्यूट्रल होता है कि नहीं, लवण बनता है। तो हमेशा शरीर न्यूट्रल रहे इसलिए लार हमेशा अम्ल में मिलती रहे, इसके लिए पानी सिप करके पीने का विधान है। पानी जितना थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे अम्ल से उतना ही क्षार का मुलाकात होता रहेगा, जिंदगी भर शरीर सम में रहेगा, माने विषमता नहीं आएगी, माने रोग नहीं आएगा। तो पहला नियम बताया जल्दी सोना जल्दी उठना, दूसरा उठते ही पानी पीना, पानी सिप करके पीना। चौथा नियम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था लेकिन इसको नियम के रूप में मैंने बांधा है, ठंडा पानी नहीं पी सकते क्योंकि भारत में टेम्परेचर वेरिएशन आप जानते हैं, तो फ्रिज का पानी बर्फ का पानी 15 डिग्री से ज़्यादा नीचे होता है, बर्फ डाला हुआ पानी 4 डिग्री का, फ्रिज का पानी 4 से 5 डिग्री का, इसको कभी नहीं पीना क्योंकि ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म हम नहीं लेते, तो ठंडा पानी नहीं पीना। माने रूम टेम्परेचर का पानी हमेशा पीना, माने मटके का पानी घड़े का पानी वो रूम टेम्परेचर का ही लगभग है, उसको पी सकते। फिर उसके आगे पानी कभी भी खड़े होके नहीं पीना, बैठ के पीना, क्योंकि खड़े होके पानी पीने में वही समस्या है, बैठ के पानी पिएंगे तो पानी रुकते रुकते नीचे उतरता है, खड़े होके पिए तो तुरंत उतर जाता है, कैसे मालूम, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में। अभी आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, आपके ऊपर सबसे ज्यादा ग्रेविटी फोर्स है खड़े, और आप जो बैठे हैं आपके ऊपर सबसे कम ग्रेविटी, क्योंकि जैसे ही बेंडिंग होता है बॉडी का तो ग्रेविटी शिफ्ट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है, तो उसके कारण ग्रेविटी जो है उसको लेते हुए जाएगा, और खड़े होके पिएंगे तुरंत ग्रेविटी के साथ जल्दी से नीचे चला जाएगा, तो लार कुछ मिलेगा नहीं, तो पेट का अम्ल अम्लता बढ़ेगा, तो तकलीफ आएगी, इसलिए पानी बैठ के पिए। ऐसे ही आगे का वही नियम है भोजन, भोजन धीरे धीरे खाना, सावकाश हड़ू हड़ू, क्योंकि लार ज़्यादा उसमें मिलना चाहिए, क्योंकि लार तक तो पेट में जाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं खाना। फिर उसके आगे का एक नियम है भोजन कभी भी खड़े होकर नहीं खाना, वो भी बैठ के करना, वहाँ भी ग्रेविटी का प्रश्न, तो भोजन बैठ के करना, धीरे धीरे करना। और भोजन में कभी भी दो ऐसी चीज़ें नहीं खाना जो एक दूसरे के विपरीत हो, एक ठंडी दूसरी गर्म, उदाहरण के लिए ऐसी बहुत वस्तुएं जो एक दूसरे के विपरीत हो, चाय कॉफ़ी और आइसक्रीम खतरनाक, गर्म खाना और आइसक्रीम और भी खतरनाक। अक्सर मैं जाता हूँ दावतों में देखता हूँ, खाना गर्म होता है आइसक्रीम खिलाते हैं सबको मारने का शौक, और वो भी इनविटेशन दे के बुलाते हैं, आइए हमारे यहाँ खाइए फिर मरिए, और वो समझते हम अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं, ये मूर्खता। हाँ, बहुत सारा गर्म बहुत सारा ठंडा एक साथ है, फिर खड़े खड़े तो बिल्कुल नहीं, आप प्लेट में लेके खाइए, लेकिन वहां वही खाते हैं खड़े खड़े, बुफे सिस्टम, बुफे सिस्टम वो एक ही है, जानवरों के लिए खड़े होके खाना मनुष्य के लिए। और इसमें एक नियम ये रखिए कि कभी भी ऐसी स्थिति में खाना है कि जहाँ बुफे ही है तो प्लेट में रखिए, कहीं बैठ के खाइए, आप खड़े होके मत खाइए, और खाते समय ध्यान रखिए धीरे धीरे चबा चबा के खाना, और खाने के बाद आपके पेट की अग्नि सम मात्रा में रहे, इसके लिए आयुर्वेद ने बोला है कि एक विशेष आसन करिए जिसका नाम है वज्रासन। यही एक आसन है जो कोई भी करे तो मैं खाली गारंटी लिखता हूँ, आप योग करें प्राणायाम करें न करें, वॉकिंग करें न करें, कुछ न कर पाए, भोजन के बाद 10 मिनट सुबह और शाम अगर वज्रासन करें तो बाकी कुछ भी करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, रात्रि भोजन में थोड़े देर बाद भी किया ना तो चलता है, लेकिन दोपहर को तो तुरंत खाते ही आप 5 मिनट से 10 मिनट वज्रासन में। और इसके बाद आखिरी नियम है कि दोपहर का भोजन है तो थोड़ी देर विश्रांति है, रात का भोजन है तो 2 घंटे बाद विश्रांति, विश्रांति जब लें तो सिर को उस दिशा में रखें जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिनिमम है। आप जानते हैं पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, तो पृथ्वी का नॉर्थ और साउथ मैक्सिमम है,
तो नॉर्थ साउथ छोड़ देंगे, ईस्ट वेस्ट में फिर करेंगे, ईस्ट सबसे अच्छा माना गया है। तो मेरे नहीं, भागवत ऋषि ने 3500 साल पहले ये नियम लिखे, ऐसे 7000 नियम लिखे हैं उन्होंने, तो मैंने उसमें से 10-12 निकाले, मेरे ऊपर उनका प्रयोग किया, बहुत अच्छे परिणाम मिले, तो मैंने अब सबको बताना शुरू किया, आप भी पढ़ो। तो इतने करने मात्र से शरीर संतुलित रहे, और अगर शरीर संतुलित हो तो जीवन का सबसे बड़ा सुख यही है। और कभी बीमार पड़ जाए तो भागवत तो बोलते हैं कि किसी को भी बीमारी आती है तो घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, सारी औषधि और इलाज घर में ही है, गंभीर से गंभीर बीमारी। जैसे आप कहेंगे जी बताइए, 2-4 बताता हूं, बहुत खराब बीमारी है डायबिटीज, आजकल लोगों को खूब हो रहा है, इसका सबसे अच्छा इलाज घर में है मेथी का दाना, मेथी जो भी आप ला, इसको पानी में डाल दीजिए रात को, सवेरे तक वो नरम हो जाएगी, उसको चबा के खाइए, पीछे से पानी पीजिए। मात्रा कितनी, सामान्य रूप से अगर डायबिटीज है, सामान्य माने ज्यादा बढ़ी हुई नहीं है, तो 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी पर्याप्त है, ज्यादा बढ़ी हुई है तो 2 चम्मच मेथी दाना और 1 गिलास पानी रोज कर लीजिए, 4 महीने के बाद रिजल्ट देखेंगे, आपको खुद आश्चर्य होगा, इतने अद्भुत होगा। ऐसे ही दर्द होता है जोड़ों में, संधिवात हो, घुटने कमर, ये सब दुखता है आपको, उसमें भी यही मेथी दाना ले लीजिए, बहुत अच्छा। माताओं बहनों को अक्सर गर्भाशय के जितने भी रोग हैं, किसी को मासिक समय से नहीं आता, आता है तो ब्लीडिंग बहुत होता है, और बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होता, मन चिड़चिड़ हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है उस समय में, तो उनको भी बोलिए मेथी दाना ले लें। एक बहुत गंभीर बीमारी है माताओं के शरीर में आती है, जिसको यूट्रस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, गर्भाशय अपने स्थान से खिसक जाना, ये तभी होता है जब आप सिजेरियन कराते, इसकी भी यही दवा है मेथी का दाना, मेथी के दाने के लिए 2 पिला दीजिए, 1 मेथी दाना कम से कम 48 रोगों में आप काम में ले सकते हैं। किसी को सिर दर्द होता है, आधे सिर में होता है, किसी को पूरे सिर में होता है, सुबह उठते ही दर्द होता है, वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा है, मेथी दाना, वायु की जितनी बीमारी, जिसको बात की बीमारी आज कहते हैं, और कफ की जितनी बीमारी, कफ की बीमारी समझते, शरीर मोटा हो गया है, फुलफुल हो गया है, जरूरत से ज्यादा वजन बढ़ गया है, नींद नहीं आ रही है, ये सब कफ की समस्या है, उनमें भी मेथी दाना खा। तो कफ और बात, दो असंतुलन की 48 बीमारियां इस एक मेथी दाने से ठीक है। 1 चम्मच वही 1 चम्मच दाना 1 गिलास पानी भिगोने, रात को भिगोना, सुबह चुरा के खाना, पीछे से पानी पीना। एक ऐसी दूसरी बात बता देता हूँ, मेथी दाना है बहुत अद्भुत, ऐसी एक है चूना, चूना, चूने की जितनी भी गुण है अद्भुत, मैंने इस चूने से इतने सारे रोगों में देखा है प्रयोग करके, बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट है। एक बहुत दुनिया का खराब रोग है जिसका कोई इलाज ही नहीं है किसी के, मेंटल रिटार्डनेस, मेंटल डिसेबिलिटी, मति मंदता, कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये इलाज चूने में है। जिसके बच्चे मति मंद है, जिनके बच्चों को लगता है कि मति मंदता है, वो सबको आप चूना खिलाए, दही में डाल के, मट्ठे में मिला के, ताक में मिला के, गन्ने के रस में मिला के, संतरे के रस में मिला के, मौसमी के रस में मिला के, किसी भी तरह से चूना खिलाए, कुछ भी नहीं मिले तो पानी में मिला के पिलाइए। मात्रा 1 ग्राम चूना है एक दिन में, 1 ग्राम से ज्यादा जरूरत नहीं होती, 1 ग्राम चूना और 1 गिलास पानी, 1 गिलास रस, 1 गिलास मट्ठा, या दूध छोड़कर दही, दही में चूना मिला सकते हैं, मक्खे में मिला सकते हैं, रस में मिला के पिला सकते हैं, मति मंद सब बच्चों की अद्भुत दवा, 1 साल में इतने एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं कि आप हैरान हो। मति मंदता हुई, अब शरीर मंदता उल्टा, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका दिमाग तो अच्छा है लेकिन शरीर अच्छा नहीं, एकदम बारीक पतले दुबले, न लंबाई बढ़ती है न चौड़ाई बढ़ती है, एकदम बारीक बारीक रहते हैं, उनको भी यही चूना खिलाइए तो शरीर के सब रोग ठीक कर देते। मति मंदता में क्या होता है, शरीर मंदता, और ये चूना क्या क्या काम में आता है, घुटने के दर्द में, कमर के दर्द में, कंधे के दर्द में, दांत का खराब से खराब रोग जिसमें पूरा शरीर जकड़ जाए, अकड़ जाए और बिस्तर से पलटी लेना भी मुश्किल हो, वो लास्ट स्टेज का जो रूमेटिक आर्थराइटिस हो उसको भी खत्म करने की ताकत इस चूने में, चूना खिलाए, चूना लगाइए मत, चूना खिलाइए, चूना खिलाइए, चूना खाइए, तंबाकू मत खाइए, चूना खाइए,
कभी भी मत खाइए तम्बाकू, चूना खाइए चूना खाना। अब चूना खाने के बहुत तरीके हैं, उसमें दही में मिला के, दूध में मिला के, रस में मिला के, ये सबसे अच्छा। अंत में कुछ नहीं है तो पानी में मिला के। और ये भी अगर संभव नहीं है तो घर में जब दाल बनती है तो उनको कहो आपकी पत्नी को या माँ को कि थोड़ा सा चूना दाल में डाल दें तो सबके दाल में आ जाएगा। सब्जी बनती है तो सब्जी में थोड़ा सा चूना डालना बनते हुए सबके काम है। और जो कुछ नहीं है तो मिट्टी के घड़े का जो पानी रखा है उसमें चूना मिला दीजिए, जो भी पानी पिएगा उसको चूना मिल जाए। और ये अद्भुत है, क्या क्या काम करता है। दांत अगर कमजोर है, हिल रहे हैं तो चूना खाइए दांत मजबूत होगा। आंखों को दिखना कम हो गया है, चूना खाइए रोशनी बढ़ जाती है। अगर शरीर की हड्डियों में कहीं भी दर्द है चूना खाइए दर्द खत्म होगा। हड्डी टूट गई है, हॉस्पिटल में गए हैं आपको उन्होंने बैंडेज बांध दिया या प्लास्टर चढ़ा दिया, तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत अगर है तो चूने में है तो चूना खाइए। अद्भुत है ये, आंखों के लिए बाला है चूना खाइए, सांस भरना बंद, दम भरना बंद, एक ग्राम ज्यादा है। पान में चूना खाइए, कट्ठा मत लगाइए, चूने का पान खाइए। और एक बार का पान में लगभग 5 से 7 ग्राम चूना लगता है तो उसको थोड़ा कम करके लगाइए, 1 ग्राम से ज्यादा जरूरत है। रोज खाइए लेकिन 1 ग्राम, अद्भुत है। ऐसे ही आपके घर में बहुत सारी चीजें अद्भुत है। दालचीनी बहुत अच्छी, जिसको भी आप तकलीफ मानते हैं कफ की जितनी भी तकलीफें हैं दालचीनी की करते, कितनी भी तकलीफ हो, 40 साल की हो, 50 साल की हो, दालचीनी का पाउडर शहद में मिला के मध में मिला के लेते हैं सुबह सुबह खाने के। ऐसे ही आपके घर में बहुत अच्छी चीज है काली मिर्च, बहुत अद्भुत। काली मिर्च अगर नियमित सेवन करें तो कभी भी आपको सर्दी जुकाम बुखार वायरल फीवर बैक्टीरियल फीवर होने का कोई चांस है, क्योंकि बॉडी का रेजिस्टेंस जिसको प्रतिकारक शक्ति कहते हैं सबसे ज्यादा बढ़ाने की ताकत काली मिर्च है। ऐसे ही आप अगर और मसाले में पूछना चाहें तो हल्दी एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लेमेटरी एंटी फंगल 5 गुण एक साथ में हल्दी भरपूर इस्तेमाल करिए। हल्दी का भी गले के कैंसर पर एक्सपेरिमेंट हुआ है, बहुत अच्छे रिजल्ट। गले का कैंसर, पेट का कैंसर, ऑसियोपोरोसिस ट्यूब का कैंसर हल्दी के रस से ठीक होता। तो मसाले में लगभग 108 है हमारे घर में मसाले, वो सभी औषधि है, ध्यान देने की बात है। बहुत अच्छी औषधि है नमक, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो नमक के पानी से स्नान करें, और ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो नमक का पानी पीजिए। बीपी बढ़ा हुआ है तो बाल्टी में नमक घोलिए, जो पानी है ना स्नान वाला, और उससे स्नान करें। और शरीर को पोंछना नहीं, 10 मिनट ऐसे ही सूख जाने देना, कपड़े पहन लेना, 8-10 दिन में ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देना। और ये नमक का स्नान पानी का रोज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हफ्ते में 2 दिन भी किया तो बीपी ठीक कर देता है। और जो बीपी लो हो गया है तो नमक को पानी में मिला सकती है। तो नमक है, दालचीनी है, हल्दी है, काली मिर्च है, मेथी का दाना है, ये सब अद्भुत है, एक से एक अद्भुत है। इलायची है, पित्त के सभी रोगों की अद्भुत औषधि। जीरा है, पित्त के सभी रोगों की अद्भुत औषधि। जीरा, कितना भी गैस बनती हो, खट्टी रकार आती हो, गैस्ट्राइटिस होता हो, जीरे का पानी पीना शुरू कर दीजिए, 6-7 दिन में ही खत्म कर दीजिए। हाँ, पानी में डाल के बॉइल करिए। तो ये हुआ मसाले का। ऐसी सब्जियां हैं, सब्जी में बहुत अच्छी सब्जी है दूधी बोकना, क्योंकि वायु के सभी रोगों में अद्भुत काम करती है। वायु के रोग आप समझते हैं, हार्ट अटैक आना, कार्डियक अरेस्ट होना, और फिर आपको कभी भी ब्रेन हेमरेज हो जाना, कभी भी पैरालाइज हो जाना, ये सभी रोगों में दूध ही सबसे अच्छी। कोलेस्ट्रॉल तो कम करेगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी वायु की प्रॉब्लम है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना एक तरह से ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करना, वायु जितने ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगी उतनी ही तकलीफ में हार्ट को आती है। तो हार्ट का कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कम करना, सॉरी ब्लड का ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रखना है, तो दूधी भोपले का रस सबसे अच्छा। ऐसे ही पित्त की जितनी तकलीफें हैं, पित्त की, उसके लिए सबसे अच्छी है खीरा। खीरा जो आप खाते हैं सलाद, ककड़ी, एक ककड़ी होती है वो लंबी पतली पतली, उसको क्या कहते हैं, खीरा कहते हैं। और एक मोटा होता है छोटा, वो ककड़ी। तो ये खीरा और ककड़ी दोनों पित्त की किसी भी बीमारी में अद्भुत काम, बहुत ही अच्छे। और स्किन डिसीज में भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। खीरे का रस लगाइए, आंखों के नीचे डार्क सर्कल खत्म करो। और अगर शरीर में कहीं भी पिंपल्स हैं, मुहासे हैं, खीरे का रस लगाते रहो, बिल्कुल ठीक करो। इसी तरह से सब्जियों में एक और बहुत अच्छी सब्जी है बैंगन।
रिंगन कफ के सभी रोग ठीक करता है, बहुत अच्छी है, बहुत अद्भुत। ऐसे ही आपके पास भिंडी है, भिंडी पालक है, पालक पालक अद्भुत है। रक्त की दूषण के जितने भी रोग है, रक्त की खराबी के सब पालक से ठीक होते हैं। और पालक जैसा एक होता है बथुआ, बथुआ देखना, ये तो सुपर मोस्ट कितना अद्भुत है, रक्त के दूषण में मिरेकुलस रिजल्ट करता है और बहुत सस्ता है, आसानी से मिल जाता है। एक चौलाई है, चौलाई चौलाई आप समझते हैं, हाँ, खून साफ करना हो चौलाई से अच्छी कोई चीज है, पालक है, बथुआ है, चौलाई। इसमें सबसे ऊपर चौलाई है, फिर बथुआ है, फिर पालक। खून बढ़ाना हो, शरीर में ऐसा लगता है कि खून कम हो गया है, तो सबसे अच्छा फल अनार, दाढ़ी का रस पीजिए, खून बहुत तेजी से बढ़ेगा। पालक का सूप पीजिए, खून बहुत अच्छा सा बढ़ेगा। बथुए का सूप पीजिए, खून बहुत अच्छे से बढ़ेगा। चौलाई की सब्जी खाइए, खून बहुत अच्छे से बढ़ेगा। एक सब्जी होती है, उसको मराठी में क्या कहते, चौपतिया एक हम लोग हिंदी में कहते, मराठी में क्या कहते, चार पत्ते होते हैं उसमें, नहीं चौलाई अलग है, चौपतिया एक बड़ा और एक छोटा आता है, उत्तर भारत में बहुत है, ये भी बहुत अद्भुत है खून बढ़ाने के लिए। तो जितने भी पत्ते की सब्जियां हैं बहुत अच्छा है, हीमोग्लोबिन सब बढ़ाएंगे। तो सब्जियां हैं आपके, मेथी बहुत अच्छी, मेथी तो डायबिटीज में भी काम आती है और रक्त को भी शोधन करती है। ताजा मेथी सूख के, माने हरे पत्ते की मेथी सब्जियां, लेकिन आजकल सर मकई मिलती है से, हाँ। उससे क्या आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि सब्जियां आजकल पेस्टिसाइड से पकाई हुई मिलती हैं, उसका दुष्परिणाम शरीर पर होता है। लेकिन इस दुष्परिणाम से बचने के लिए आप एक छोटा उपाय कर सकते हैं कि कोई भी सब्जी के बारे में आपको अगर डाउट है कि ये पेस्टिसाइड से है, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन में डाल दें। पोटेशियम परमैंगनेट का आता है, उसको पानी में घोलिए, उसमें थोड़ी देर के लिए सब्जी डाल दीजिए, आधा घंटे पौना घंटे, फिर निकाल लीजिए, पानी से धो के उपयोग में लाइए। तो पूरा खत्म नहीं होगा, लेकिन 60-70% जो पेस्टिसाइड है उसके ऊपर के सरफेस पर पोटेशियम परमैंगनेट उठने को तो खींच लेगा, अंदर आ गया है वो नहीं निकले, तो वो 30% कि तुम बिना केमिकल की, बिना रसायन की, बिना पेस्टिसाइड की मर्जी लाओ, हम तुमको ज्यादा भाव देके खरीदे, 10% ज्यादा देंगे, 15% वो करके लाएगा। उसको अगर आप गारंटी देंगे तो पूरा आप खरीदेंगे वो करके लाएगा, और खरीद के आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं तो आखिरी ऑप्शन है कि आप मिलकर एक खेत खरीदिए और कम्युनिटी फार्मिंग करें, कम से कम माहेश्वरी समाज के लोग एक एक एकड़ खेत खरीदें, सब मिलकर कोई बड़ा फार्म बना लें, उसमें जितनी सब्जी होगी माहेश्वरी समाज को शुद्ध खा ही सकता है, बचे तो किसी दूसरे समाज को रिलायंस मत खाई। तो वो टीवी वालों का बोलना गिरा है कि ये दलाल लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं उसका, नहीं दलाल नहीं, जो सीधे बैंकर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं। और मैं आपको मल्टीनेशनल किसी भी डिपार्टमेंट में स्टोर की सब्जी नहीं खाने की सलाह इसलिए भी दे रहा हूँ कि ज्यादातर सब्जियाँ उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स से बनी, वो लोग घर घर जाके पब्लिसिटी कर रहे हैं, हर डोर टू डोर जाके बोल रहे हैं हम आपको बाजार से कम रेट में सब्जी घर लाके देंगे। हाँ, क्योंकि उसकी क्वालिटी नहीं है ना। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, जो ओरिजिनल पालक है वो इतना बड़े पत्ते का है, उनके यहाँ इतने बड़े पत्ते का मिलेगा, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और जीएम सीड्स का कोई भी ताकत नहीं है शरीर के, इसलिए उनकी सब्जी बिल्कुल मत खाइए। वेंडर से सब्जी लाइए, उनसे एग्रीमेंट कर लीजिए, हमने कई जगह किया, उनको आप बोलो कि 10% ज्यादा भाव में ले लीजिए, तो वो शुद्ध शेन खत की सब्जी लाए और उसका टेस्ट आप करेंगे आपको खुद ही पता चलेगा। वो कर सके तो सबसे अच्छा है, नहीं कर सके तो कम्युनिटी फार्म है, एक छोटा सा डेवलप करिए फार्म हाउस, वो सबके लिए हो जाए। उसका नहीं होगा, अगर इंजेक्शन दे दिया उसमें तो वो तो बहुत ही खराब है। तो ऐसी स्थिति में आप लौकी को तय कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि इसमें इंजेक्शन है या नहीं। मैं आपको हाथ का एक वो बताता हूँ, लौकी को जैसे ही खरीद रहे तो तुरंत उसमें आपका जो नाखून है ना इसको दबा के देखिए, अगर ये आसानी से गया तो उसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगा।
और अगर ये जा नहीं रहा है, उसकी सरफेस आपको ऐसा लगती है हार्ड हो गई है, तो 100% उसमें इंजेक्शन दिया है तो वापस कर दीजिए। हाथ टच करके ही आप फैसला कर सकते हैं इमीडिएट। भैंस को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देके दूध निकालते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि आप खुद अपनी गाय पाल लीजिए। और ये सुझाव भी इसलिए दे रहा हूँ कि आप अगर अगर आप कार खरीद सकते हैं तो गाय भी खरीद सकते हैं, स्कूटर खरीद सकते हैं तो गाय भी खरीद सकते। लेकिन कार अपने पड़ोसी आदमी से लेता, गाय अपने पड़ोसी आदमी से ले लेता है। नहीं नहीं, उसका उसका ऑप्शन है ना। अगर एक फार्म हाउस आप बना सकते हैं तो गौशाला भी बन सकती है। माहेश्वरी समाज में थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा करके गाय खरीदिए, फार्म हाउस बनाइए, अच्छी खेती करवाइए, शुद्ध सब्जी खाइए, शुद्ध गाय का दूध लाइए, तो सुख तो यही है। और आप ये जो बाजार का भेड़ से खाएं और लाखों रुपए डॉक्टरों को देते जाएं, उसमें तो कोई सुख नहीं। तो अगर आप सब कर सकते हैं तो ये भी हो सकता है। और फार्म चलाने के लिए आपको बहुत सारे कारीगर मिल जाएंगे, खेत वाले लोग मिल जाएंगे, वो आपके लिए काम करेंगे। तो ऐसी जीवन शैली अब कई जगह विकसित हो रही है। मुंबई के आसपास में आप देखिए कई ग्रुप्स ऐसे बन गए हैं जो अपने खाने की सब्जी वहां बाजार से नहीं लाते, वो गांव में किसानों से एग्रीमेंट किया हुआ वहां से लाते, अपनी जवारी गांव के किसानों से लाते, अपना गेहूं किसानों से लाते, क्योंकि वो ऑर्गेनिक। ये आप ही कर सकते हैं। और नागपुर के आसपास ऐसे बहुत खेत है। अगर मेरा ऐसा मानना है कि मल्टीनेशनल कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग के लिए खेत ले सकती है तो आप क्यों नहीं ले सकते? सरकार ने आपको खुली छूट दे रखी है। आप भी किसी किसान से एग्रीमेंट करिए कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग पे, उसको ले जाइए और उसको शर्त लगाइए कि तुमको हर साल का एक एकड़ का 50,000 हम देंगे या 25,000 देंगे, इसमें शेर खत से ही करना। वो करेगा, खुशी से करेगा। जो विदेशियों के लिए करना तो आपके लिए भी करेंगे। तो इस तरह की जीवन शैली में हम आते जाएं तो भारतीयता बढ़ेगी और आप सुरक्षित हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे। ये मेरा सुझाव। और आप निरोगी हैं, सुखी हैं, तभी रोगी है तो कोई सुखी। तो मैंने कुछ छोटी सी जानकारी दी, आपने ये अपनी जानकारी जीवन में काम लाए और इससे आप थोड़े बेहतर हों तो मेरे आने की सार्थकता है, और इस बात को आगे बढ़ाए तो और भी सार्थक। आपके लिए है जिसको पीस बनता है, खमीर बनता है, तब उससे पाव रोटी बनती है। दूसरा है इडली। इडली में फर्मेंटेशन के लिए क्या किया जाता है, चावल का पाउडर है, उसमें उड़द की दाल का पाउडर मिलाया जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे में ईस्ट बनता है और उसको आप काम में लाते हैं। तो एक 6-7 दिन का फर्मेंटेड है, एक 12 घंटे का है, दोनों में अंतर। डोसा में भी वही है, इडली में भी वही। हम फर्मेंटेशन कराते हैं उड़द की दाल के आटे से और वो फर्मेंटेशन कराते हैं केमिकल से, सड़ाके और केमिकल दोनों में। एक ऑर्गेनिक है, दूसरा इनऑर्गेनिक। पानी आपके वजन के हिसाब से, आपका वजन है उसमें 10 का भाग दे दो, सीधा फॉर्मूला। आपका जितना वजन है उसमें 10 का भाग दे दो, जितना अंक आए उतना लीटर पानी दे दो, एक दिन 24 घंटे। आपका वजन 60 किलो है, 10 का भाग दे दो, 6 आया तो एक दिन में 6 लीटर पानी पी। 70 किलो है, 10 का भाग दे दो, 7 लीटर आया, 24 घंटे में 7 लीटर पानी पी। 40 किलो वजन है तो 4 लीटर, 50 किलो तो 5 लीटर, सीधा सा। सवेरे उठते ही पानी पीने में थोड़े कॉन्ट्रडिक्शन मालूम पड़ते हैं, मुंह धोए बिना पीने के लिए कहता है। ज्यादा जो जानकारी है शास्त्रों में वो बिना मुंह धोए ही, उनका ये कहना है ऋषियों का जिन्होंने इस पे सबसे ज्यादा रिसर्च किया है कि रात को मुंह धो के सोना चाहिए, सुबह उठते ही बिना मुंह धोए पानी पीना चाहिए। क्यों? मुंह धो दिया तो जो लार है वो निकल गई पानी के साथ, वो तो अंदर जाने के लिए है। लार को जितना अंदर ले जाए उतना ही अच्छा, जितना बाहर फेंकेंगे उतना ही नुकसान। ये जो गुटखा खाने वाले हैं ये सब लार को थूकते रहते हैं, इसमें उनको सबसे ज्यादा नुकसान। गुटखे से जितना नुकसान है उससे ज्यादा उनकी लार जो थूकी जा रही है उससे बड़ा नुकसान। तो ये गुटखे खाने वाले, मावा खाने वालों को अगर हम समझाएंगे इसको थूको मत तो वो बेहतर है। लार बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा है ना, चक्कर आ जाएगी, दोनों ही बातें हो जाएंगी। ये जगह जगह हमारी दीवारें खराब होने से बच जाएंगी और अपना उनका शरीर भी व्यवस्थित हो जाएगा। 12 महीने जिनको भी सर्दी रहती है उनका प्रतिकारक शक्ति कम है, इसका मतलब ये है। तो आप सीधे से थोड़े दिन चूना खा लीजिए, 3 महीने में आपको हमेशा के लिए सर्दी की समस्या खत्म।
या 3 महीने आंवला खा लीजिए तो भी सर्दी की समस्या हमेशा के लिए खत्म। और रिजल्ट देखिए, विनेगर से भी सब्जी धोनी चाहिए, बहुत बहुत अच्छे से। अगर विनेगर आपके पास है तो पानी में विनेगर मिलाइए। कितने पानी में? कैसे? लगभग 1 लीटर पानी अगर है तो 10 से 15 मिलीलीटर या 20 मिलीलीटर तक विनेगर मिला सकते। और विनेगर थोड़ा सब्जी में डाल के खाएं तो और भी अच्छा। विनेगर अगर थोड़ा सब्जी में डाल के खाएं, सिरका नहीं तो अचार में जरूर डलवाइए, अचार के रूप में भी खाइए तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शरीर को बहुत आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है विनेगर, बहुत आवश्यक। घंटे बाद हम भूल जाते हैं, जब तक सुनते हैं तब तक याद रहता है, घंटे बाद भूल जाते हैं। तो इसकी किताबें बनाएंगे, एक किताब बनाया स्वदेशी चिकित्सा, दूसरा है सौंदर्य चिकित्सा। सौंदर्य चिकित्सा स्वदेशी चिकित्सा का अंतर क्या है? स्वदेशी चिकित्सा माने रसोई घर में जो भी मसाले हैं उनसे होने वाली चिकित्सा। सौंदर्य चिकित्सा माने स्किन की जितनी डिसीज है, सोराइसिस, इचियोसिस, एक्जिमा, पिंपल्स, एक्ने, डार्क सर्किल, ये सब स्किन की, तो स्किन की जितनी भी रोग है उनकी चिकित्सा सौंदर्य चिकित्सा। तीसरी है गौमूत्र चिकित्सा, गाय के पेशाब से, मूत्र से आप कौन कौन सी बीमारियां ठीक कर सकते हैं बिना किसी टैक्स के, बिना किसी कॉस्ट के, कैंसर तक भी ठीक होता है। चौथी एक पुस्तक है अपने डॉक्टर स्वयं बने, माने स्वयं चिकित्सा, मैंने जो कुछ सिखाया वो उसी दिशा में ले जाने के लिए कि आप अपनी चिकित्सा स्वयं करें। फिर एक है अहिंसक चिकित्सा, स्वावलंबी और अहिंसक, माने किसी भी जीव को मारे बिना, किसी की हत्या किए बिना आप अपने सारे ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, कोई भी दवा बनाने में किसी जीव की हत्या ना हो वो ट्रीटमेंट कैसे कर। फिर एक आखिरी पुस्तक बनाई है जो सबसे महत्वपूर्ण है, गंभीर रोगों की चिकित्सा, कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे 48 गंभीर रोग हैं जिनमें मृत्यु की संभावना बहुत होती है। इन सबकी चिकित्सा आप कैसे करें? अपने रसोई से, गाय के मूत्र से, रसोई की औषधियों से, वो गंभीर रोगों की चिकित्सा। ऐसी 6-7 किताबें हैं, बाहर एक स्टॉल है उसको आप ले जाइए। किसी भी किताब पर हमारा कॉपी राइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट। हमने ये किताबें बनाई 6-7 साल के रिसर्च से, लेकिन हमारा कोई कॉपी राइट। आपको अच्छी लगे आप अपने नाम से छपाई, अपनी संस्था के नाम से छपाई और गली गली बांटी। तो हमारा उद्देश्य है कि भारतीयता बढ़े, लोगों का जीवन सुखी बने। तो ये इसी विषय पर कैसे भी बनाई, जैसे भारत और यूरोप की मैं अंतर बता रहा था, ये विषय बहुत लंबा है और जटिल भी है। आप इसको ध्यान से और आराम से सुनना चाहें तो एक सीडी बनाई है, डीवीडी, लगभग 3 घंटे की, वो आप ले सकते हो, भारत और यूरोप, यही नाम। दूसरा, मैंने जो बोला चिकित्सा का और ये कई कई बातें, इनकी 40 घंटे की एक ऑडियो सीडी भी है MP3 फॉर्मेट, वो भी है। और भी 2-4 विषय पर वीडियो और ऑडियो सीडी, वो आप ले सकते हैं, सुनकर दूसरों को सुना सकते हैं, उस पर भी हमारा कॉपीराइट है, आप कॉपी करके दूसरों को दे सकते हैं। आखिरी में आपसे पर्सनल अपील जरूर करना चाहता हूँ कि हम पूरे भारत में अभियान चलाते हैं तो किसी से डोनेशन नहीं है तो फिर ये कैसे चलता? ये अभियान चलाने के लिए हम खादी बनाते हैं, जैसे गांधी जी खादी बनाते थे और बेचते थे, खादी बिक्री से जो पैसा आता था उससे आज़ादी लाओ आंदोलन किया हो, तो हम भी अभी खादी बनाते हैं। हमारे कार्यकर्ता हैं, चरखा चलाते हैं, सूट बनाते हैं, बुनता है, खादी बनाते हैं, वो खादी की बिक्री करके हमको जो फंड्स आते हैं उससे हम भी अपना अभियान चलाते हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं की बनाई हुई कुछ खादी भी आई है, बाहर है, आप अगर थोड़ा भी खरीदेंगे तो हमें मदद मिलेगी। तो आप खादी खरीदें, वो मेरी आपसे अपील है, ताकि हमको फंड्स मिले। और पुस्तक और सीडी खरीदें, वो आपकी आवश्यकता है, ताकि आप उसको दूसरों में वितरित कर सकें। तो थोड़ा मेरी मदद हो, थोड़ा आपकी मदद हो, इस दोनों तरीके से हम एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ें, ऐसी भावना के साथ आपका आभार। बहुत ये भी यूरोपियन शैली का ये है मॉल, हाँ बिल्कुल, उसका विरोध आपके, हम तो बहुत पूरी ताकत से मॉल का विरोध कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मॉल खुल रहे हैं हम सब उनके खिलाफ हैं और कई जगह कोर्ट में लड़ाई ही जाते। और मैं आगे एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए निवेदन, हमें संस्कृति के बारे में जानकारी दी, हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे लॉयल मधुसूदन जी सारडा जी का जिन्होंने हमारे आखिर से स्वीकार किया, हम आभार प्रकट करते हैं श्री अश्विन जी देशमुख जी का जिनके सहयोग से आज यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, हम आभारी हैं श्री अखिल भारतीय मैत्री महासभा श्री शाम्बा जी के जिनकी
कृपया हमें ये कब सभा कक्ष उपलब्ध कराया। हम आभारी हैं आप सब लोगों के जो यहाँ पर आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। धन्यवाद। सर जी थोड़ा कितना बताइए। 25 रुपए एक अलग अलग।